सबका अगर कहने ना हो आए सबके यार। ओए कमजोर वर्ग है ये। ओए आओ ये इन सबका फूड है क्या ना। इन क्रीक रैपर उसको सीधा करो। ओए रो खाने के लिए पहुंच गया भाई साहब। इन सबको होनी है रेबीज की वैक्सीनेशन एंड नेल क्लिपिंग नेल कटिंग। और कहाँ गए बाकी सर? आपको बहुत दुख है ना भैया। भाई भैया शर्माते रहते हैं भैया जी, मेरे बहुत दुख है। एंड ये आप देख सकते हो हल्का सा क्लिपिंग मिस्टेक होता है एंड ये देखिए ब्लीडिंग आ जाती है। अभी तो नहीं पता चला लेकिन देखिए अब स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग होना। तो जब भी नेल कट करें जो पिंक एरिया है उसको प्लीज़ कट ना करें। ये देख सकते हो इससे हल्का सा मिस्टेक हुआ है एंड ये देखिए ये ब्लीडिंग हो रही है। तो अभी तो इसका कम है लेकिन जो एडल्ट डॉग्स हैं जिनके में ब्लड ज़्यादा आगे रहता है उन सब में दिक्कत होती है। तो कभी भी नेल कट करें तो आप ये देख सकते हैं ये जो पिंक एरिया है इसको कभी कट ही ना करना ही नहीं है कट कभी भी, तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब तुम और उससे छोटे डॉग से डर रहे हो भाई साहब। हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे बदमाश यही है, सबसे शांति वाला है। अभी तीन पप्स और हैं ये सबसे शांति वाला है। एंड इसको रेबीज की वैक्सीनेशन इसकी लग रही है। एंड लिटरली आप ये जो ब्रीड देख रहे हो ना इसके इन डॉग्स के जो पपीज के मदर है वो गोल्डन रिट्रीवर है एंड जो फादर है वो हस्की है एंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हस्की है। इसीलिए आप वो जो इसके पहले का पपी था आप उसको देख रहे होगे उसकी आईज़ ब्लू थी। एंड जो भी हमारे चैनल को देख रहे हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, आप लोग हमें सपोर्ट करो। एंड आर्क पेट स्टोर 24x7 सर्विसेज है बट ये ग्रूमिंग की नहीं है 24x7। जो एक्चुअली इमरजेंसी केसेस होते हैं लाइक डॉग कोई अगर जो बीमार है या कोई डॉग को चोट लगी हुई है उस कंडीशन में हमको 24x7 सर्विसेज हैं। एंड ये थर्ड पपी है जिसका हम लोगों ने नेल कट एंड रेबीज की वैक्सीनेशन की है एंड सबसे ज़्यादा ओबीडियंट यही था, मतलब बहुत सा डरा रहता था। एंड लास्ट में जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा ही एक्टिव है एंड बदमाश भी है, इसे भी हम लोगों ने रेबीज की वैक्सीन दी है। एंड रक्षा रब हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एंड रक्षा रब है एंड वन इंटास की भी आती है रेबीज की वैक्सीन। एंड ये सबसे ज़्यादा नॉटी डॉग है इन सारे पपीज में, सबसे ज़्यादा नॉटी यही है। एंड ये अपने एज इट इज़ मतलब 90% अपने फादर पे ही गया है एज इट इज़। अभी इसका फादर भी आएगा आप देखना। एंड ये आया है स्नोई एंड बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। ये आया है अपना जैसे कि CID वाले आते हैं ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये देखने आया है, फिर ये देख के फिर सबको स्मेल करता है एंड बहुत ही बदमाश है। मेरे को लगा कोई बदमाशी करेगा बट ये आया स्मेल किया एंड वापस से चला गया और थोड़ा सा डांटना भी पड़ा फिर ये गया। एंड ये आप देख सकते हो ये पपी बिल्कुल भी ग्रूम नहीं करा रहा, मतलब इंजेक्शन एंड ये सब नहीं लगवा रहा था बट कैसे भी कराया। एंड फिर हम लोग इन सारी की बुक जो थी उसको हम लोग ने मेंटेन किया है कि इसको कौन सी वैक्सीन लगी है। एंड ये हम लोग ने स्टैम्प भी अपना लगाया है आर्क पेट स्टोर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करो आर्क पेट स्टोर।